ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ अनुजा शर्मा। ये तुसी मेरे पिछे वड्डियां मशीनां देख रहे हो, तुहाडे सवाल बहुत होणगे मशीनां नूं देख के कि ये मशीनां करदियां की ने। लेकिन तुहानूं मैं इन्नी गल जरूर दसदा कि कुछ समय पहला ये जिहड़े मालक ने इस कंपनी दे, ये जरूर कह दिंदे ने कि ये मशीनां जिहड़ियां ने यह बाहरों मंगाउणियां पैंदियां सी, लेकिन हुण ये भारत दे विच पंजाब दे विच बनाउंदे ने। इन्हां दा GKM टूल्स जिहड़े ने, GKM कंपनी दा नाम है, और इस वक्त साडे नाल कंपनी दे मालक मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे आं। सर, इह मशीनां है की ने, कम की करदियां ने? जी मैडम, एक्चुअली सेंट्री फिटिंग और जिथे ड्रिलिंग एंड टैपिंग का काम होंगे, एक्चुअली इन्हू SPM का नाम दिता गया मशीन। ये लोग पहला चाइना तो इंपोर्ट करते थे। मैं मोहाली का पहला, मेरी कंपनी है जिन्हें मशीन मोहाली जी डिवेलप की थी। इंडिया से मैं पहला आदमी है जिन्हें डिवेलप की थी। ये फुली ऑटोमेशन है और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया इंडस्ट्री। जिन्नी सेंट्री फिट इंडस्ट्री है, जिस तरह एशियन पेंट है और सेरा ग्रुप आ और जैकोआर और हिंदवेयर जल ग्रुप मोहाली का, ये लोग ये सारे मेरे क्लाइंट है। अच्छा। और बड़े खुश वा, और ये आने के नाल इलैक्ट्रिसिटी की सेविंग हुई है, ऑटोमेशन आ गई है, और ये जगह बड़ी घट ले रही है। नहीं तो असं छोटा जहाँ काम करते थे, ये सू बड़िया मशीन लाने पैदा सी, हूँ सू जरूरत नहीं है। तुम कहा कि पहला लोग बाहरों मंगाते थे, तुम पहला काम तुम शुरू किया इतने, ये ऐसा की है कि बाहरों मंगानी पैंती से, इतने कोई होर डिवेलप कर ही नहीं पाया? एक्चुअली मैडम फायर आ, अग लगन लगे एक माचिस की लोड़ होंगी आ। मेरे जो इंडस्ट्रिस्ट भरा वा इतने मोहाली के, उन्होंने मेरे ना सारी मीटिंग होंगी सी, मीटिंग जस्ट जनरल गल् चलदिया कि सू मशीन बाहरों इंपोर्ट करनी पैंती है। एक्चुअली साढ़े ना कलस्टर बनया मोहाली, कलस्टर मैं मीटिंग अटेंड की, मीटिंग गल चली जी असं बाहरों इंपोर्ट करते हैं। मैं सोचा ऐसी की चीज है जी इंडिया च नहीं बन सकती। बिल्कुल, एक बार अपने दर्शकों दिखा दिए, इस वक्त मशीन जी है काम कर रही है, तुम देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल काम करेगी। या नीचे जिहड़े ने ब्रास दे रखे हुए ने, मॉडल्स ने जिहड़े कंस्ट्रक्शन दे वेले अमूमन तौर ते देखे जांदे ने, उन्हां दे नाल काम कीता जा रहा। सर तो पुछंगे, सर की कर रही है इस वक्त मशीन, की कर रही है ये मैडम? मल्टीपल होल्स, क्योंकि हुंदा की सी हुण इतने होल सी मारने आ, उहदे वास्ते सानू अलग अलग मशीन ते जॉब नूं शिफ्ट करना पैंदा सी। इदा की है कि हुण टाइम सेविंग होगी, एक मशीन ते मल्टीपल होल्स लग जांदे आ, जिहदे करके साडी क्वालिटी एक्यूरेसी, असीं अज दी डेट च साडी इंडस्ट्री चाइना दा मुकाबला क्यों कर रही है, क्योंकि साडे कोल अज मशीनां उस ही आ गईआं। साडे, तुसीं कह रहे हुण पंजाब चाइना दा मुकाबला कर सकदा? मैं कहा जी बिल्कुल, असीं चाइना दे फट्टे चक्के आ जी। अच्छा। और लोकां ही 100% हुण चाइना तों इंपोर्ट बंद करता लोकां ने मशीनां दा खास करके, लेकिन इह आ कि इहदा रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलिआ, और मार्केट ने बड़ा वधिया हुंगारा मैनूं वी दित्ता, और मैं सारे इंडस्ट्री का बड़ा थैंक्सफुल हाँ जिन्होंने मैं। तुसी कह के पंजाब दे विच तुसी इहनू शुरू कीता काम नू, ते फिर किन्ना क हले इहदे नाल काम चल रहा है, जां इहदे च तुहानू दिक्कतां भी आईयां होणगियां जदों तुसी शुरू कीता? क्योंकि जिथे जिथे लोग लैंदे ने, फिर ओह भी कहिंदे ने कि इत्थे आओ, इहदे विच फिटिंग करके जाओ, इह च इह दिक्कत आ गई, करो इहनू ठीक करवाओ। देखो मैडम, मशीन सेल करन दा मतलब कि सर्विस इंडस्ट्री है। मैं अपनी मशीन दे विच फुली जिहड़ा इहदे HMI PLC फिट कर दित्ता आ, बहुत सारिया दिक्कतां तो असी ये जेडे एच वे कंट्रोल कर दें PLC ही कंप्यूटर के उपर अपने हैंग करके मशीन टीम व्यूवर प्रोग्राम असी पा लें, तो वो टीम व्यूवर के नाल असी हैंग करके मशीन तो बैठे बैठे ठीक कर दें। मेरिया मशीन नेपाल चल रही हैं, और एशियन पेंट मेरे बड़े वे वे कस्टमर है। ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਦਿੱਤੀ ਆ, CNC ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਿਖਰਦਾ, ਔਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। CNC ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, CNC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ CNC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ, ਸਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੀਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ
अक्सर मैं जिसे सुनिया सीएनसी मशीनां जिहड़ियां बाहरों मंगाइयां जांदियां ने ओह बथेरे सर्टिफिकेट देख के सारियां चीजां देख के मंगांदे ने, थोड़े कोल सर्टिफिकेशन पूरी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सारी सर्टिफिकेट है मेरे को, बीएसई आईएसओ एफसीआरआई और इंडिया दे साडे को जेड जेड है। अच्छा। वो असी सारे ओदे नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं और क्वालिटी ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। हुण पंजाब दे विच वी बड़ियां इंडस्ट्रीज जिहड़ियां ने नवीआं वी बन रहीआं ने, क्योंकि भगवंत मान साहब भी कहिंदे ने कि असीं इंडस्ट्रीज नूं वधाउणा आ, ते फिर इह मशीनां दा ओदे विच वरतों वी होएगी, आणगीआं वी। एक बार दस दो किन्ने की पेगी एक मशीन अगर किसी छोटे एंटरप्रेन्योर ने खरीदनी हो? देखो मैडम, जेडे पहले लोग मान लो 8-10 लाख रुपया खर्चते थे, 4-5 मशीन कट्ठिया ला के, ये मशीन कोई 4.25 लाख के आस पास आ जाती है। तो लोग चाइना तो लेंदे सी, चाइना का किसी धोखा होंदा सी सारा, एक्चुअली ओदी इन्नी लाइफ ड्यूरेबिलिटी नहीं है। अच्छा। अगर मशीन खराब होगी तो रिपेयर कौन करेगा? वो मशीन आ गए साडे लोहा बन गई इत्थे आ गए, असी फिर इनू हुंगारा भरिया, तो साड़ियाँ टचवुड अज तक जिथे मशीन चलती जी गुरु कृपा की, यहाँ जी के एम ब्रांड आ कंपनी नाम गुरु कृपा, उत्थे बल्ले बल्ले हो रही है जी। अच्छा। अगे की है भी मैं अगे देख रही हूँ, ये की चीज़ है सर? ये लीकेज प्लांट आ जिहड़ी ब्रास की कास्टिंग लोग करते हैं, जां ऑटोमोटिव पार्ट बनाते हैं, वो कोई लीकेज आ जाती है, प्रैशर लीक करता, ये असी प्लांट बनाया जी। ये भी इंडिया का पहला प्लांट आ जरा एस एस बनया और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल आ और यदा रिजल्ट बड़ा अच्छा जी। ये प्रोडक्ट असी अजे नवा लॉन्च किया अजे। अच्छा, फिर ये नवा लॉन्च किया, ये तुसी की कहंदे हो कि ये की खासियत है कि होर नालों वखरा है, क्योंकि बथेरे ब्रांड करते हो यही चीज़ का? एक्चुअली मैडम, मेरे बेटे जो बीटेक की ना, उस तो बाद एदा जन्मदाता होगा तो मैं कहूंगा मेरा बेटा दसे दे बारे थोड़ा जा। लड़ाई है एक मैनुफैक्चर की, बचत ही यही है जो वो अपनी इन हाउस रिजैक्शन जो लीकेजेस होंगी है, खर्चे होंगे उन्होंने कंट्रोल करे, तो जिमें अपना प्रोडक्ट एंड ते पहुँच जाता तो एंड ते आप रिजैक्शन कैच करते हैं, तो यह सब तो वड्डा लॉस है कंपनीज का। तो वो की है कि जेडे भी मैनुफैक्चर साढ़े वर्गे है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो प्रोडक्ट न जो एंड ते कैच करन तो पहला ही वो सारी रिजैक्शन दूर करते, जेडे भी प्रोडक्ट होते जिद फ्लूइड्स फ्लो करते हैं जिमें वाटर हो किसी भी टाइप का कैमिकल, उस लीकेज चैकिंग होंगी है। लीकेज बहुत वड्डा एक इशू है जो सारे मैनुफैक्चर फेस करते हैं, तो वो प्लांट बनाया कि जेडे भी अपने मैनुफैक्चरर्स हैं वो इस रिजैक्शन को कंट्रोल कर सके। कदों सोचे जिस वक्त तुसी अपनी फैक्ट्री च जाके बह के सोचे जां पढ़दे पे सी तदी सोच रहे सी कि मैं ये काम करूंगा? एक्चुअली कि अपनी फैक्ट्री ही असी सब तो पहला तो अपने घर की जी प्रॉब्लम हैगी है उन्होंने ही वेखते हुए ये चीज़ बनाई सी, क्योंकि सानू बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा सीगा, बड़िया गलतियां दिस दया हो है की कहने रहने के नहीं यार पापा इदा नहीं, आप चेंज कर दें, नवी चीज लैके आने, नवी चीज इनोवेट करते हैं, उन्होंने वास्ते की प्लैन लैके चल रहे हो, क्योंकि यूथ अगे भी मोटीवेट किया जा रहा है? मोटीवेट है कि इन्हों की उंगल फड़ लो, गलती कोई नहीं होगी। अच्छा। हाँ, इन्होंने सपोर्ट तो बिना नहीं हो सकता, सपोर्ट पूरा सीगा। हाँ ठीक है, थोड़ा माइंड सैट डिफरेंट आता है, थोड़े टेक्निक्स डिफरेंट होंगी है, बट है तो बेसिक रूट सही है जिन्होंने वड्डा किया। तो हुण अगे दा भविख कित्थे देख दो, जिहड़ियां मशीन जिवें सर ने भी दस्सिया कि बाहरों पहला इंपोर्ट हुंदियां सी, हुण असी इत्थे बना रहे हां, भविख ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है? इत्थे बहुत ब्राइट है, पूरी मार्केट साडे लई खाली है, बट यह है कि एक एक स्टैप बाय स्टैप करना ना, तो हो जाऊगा, कोई इशू नहीं है, बैठे हैं आपां इहदे लई बैठे। हुण अगली पीढ़ी सर बहन नूं तैयार हो गई है तुहाडी सीट ते? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये मेरा ही रूप है जी, और जो मेरी सीधे बड़े घट पैसों तो कम शुरू किया और अपने इंडस्ट्री नू हमेशा देने की कोशिश की, और अपने ये सारा अपना परिवार ही इंडस्ट्री सारी है कि इन्हां लई कुछ किया जाए, तो यही सोच मैं बेटे को उम्मीद करता भी यही सोचना कम करेगा।
क्या बात है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये तुहानू असीं तस्वीरां मशीनां दीआं दिखा रहे सी, ये वो मशीनां ने जिहड़ियां पहलां बाहरों मंगाईआं जांदीआं सी लेकिन हुण पंजाब दे विच मैनुफैक्चर होण लग गईआं ने, किते किते बदलाव नज़र आ रहा है और ये भी कह सकते हैं कि भविख पंजाब दा रंगला नज़र आ रहा है। कैमरा ते मेरे सहयोगी अमन दे नाल मैं अनुजा शर्मा, तुसीं देखदे रहो ग्लोबल पंजाब टीवी।